My name is Mansoor. My father's name is Mansoor Hussain. And I live at Nasirabad. And study at Sindh Agriculture University, Tandoja. अरे वाह क्या वाह यार। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं 15-16 दिन से कहाँ था। बताता हूँ, अभी बताता हूँ यार। सीन कुछ ऐसा था कि मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग में दिखाया भी था कि मेरी आंखों का मसला चल रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया और अपनी आंखें चेकअप कराई, ठीक है। तो डॉक्टर ने चश्मा लिख के दिया, चश्मा लगाया, लेकिन वो कुछ सही बैठ नहीं रहा था, मसला हो रहा था पहनने के बाद। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं सही तरह से मतलब क्लियर चीज़ें नहीं देख पा रहा था, ठीक है। तो एक और डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने भी चेकअप किया तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब सेम नज़र बिल्कुल सही चेक की थी पहले वाले डॉक्टर ने और चश्मा भी सही था। तो डॉक्टर ने कहा कि सीन कुछ ऐसा है कि तुम्हें ये चश्मा पहनना पड़ेगा तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता या मतलब 15 दिन तक। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी कुछ एक काम करो, मोबाइल यूज़ करना और कंप्यूटर यूज़ करना बंद करो, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करो, क्योंकि मेरा ज़्यादा था। मैं 10-10, 12-12 घंटे 15-15 घंटे भी यूज़ कर रहा था मोबाइल उन दिनों में, तो शायद उसकी वजह से वो इम्पेक्ट आ रहा था नज़र पर। तो ये वजह थी कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था 15-16 दिन से, और जो मैंने अपना 30 दिन का एक चैलेंज ख़ुद को दिया था वो भी पूरा नहीं कर पाया, तो मुझे इस बात का अफसोस है। मसला हो गया था मेरे साथ, मेरी नज़र का, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि शायद और नज़र ना पड़ जाए अगर मैं इस चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में और ब्लॉगिंग करता। तो देखो भाई, नज़र होगी तो ब्लॉगिंग भी होगी, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। तो आज का इस वैसे मैं ये ब्लॉग आप सोच रहे होंगे कहाँ कर रहा हूँ, मैं भी बैठा हूँ किचन में, चाय बन रही है, ये देखो मैं बना रहा हूँ खुद चाय, ये देखो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आया हूँ अपनी नानी के घर में नसीराबाद, मतलब लाड़काना के करीब ही है, छोटा सा टाउन है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ 3 दिन की ट्रिप पे, यहाँ से जाऊँगा लाड़काना, लाड़काना के बाद हम निकलेंगे सखर रोहिणी, उसके बाद वहाँ एक दोस्त से मिलना है जिसने हमें हमारी दावत की है, सही है ना। और वहाँ से मुझे जाना है मीरपुर, नहीं खैरपुर मीरस, वहाँ पे भी एक दोस्त रहता है उससे मिलना है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिप आपको पसंद आएगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रेगुलर व्लॉग्स बनेंगे यहाँ पे, देसी व्लॉग्स, फुल देसी, ठीक है ना, कोई शशका नहीं होगा, कोई सिनेमैटिक नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल व्लॉग्स बनेंगे और उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, सही है ना। और गाइस, सीन कुछ ऐसा हुआ है कि मैं कैमरे में बात कर रहा था, नीचे चाय पक रही थी और आग पे पूरी चाय इतनी जल गई कि 2-3 घूंटी बचे। गाइस, फाइनली पैकिंग हो चुकी है और मैं निकल रहा हूँ अभी, मुझे जाना है पहले भाई के पास, भाई से कुछ रोकड़ा वगैरह डॉलर मिलेंगे तो जाऊँगा ना। कारे हाँ चले जाए, सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे मामू का बेटा है, क्या लेने गए? एक गाजर चाहिए और एक जैतून फ्रूट चाहिए, और तुम आ जाओ जब तक मैं ये खा लेता हूँ। भाई ने ऑफर किए कि रुको सामान घर पे छोड़ के और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ स्टॉप तक, तो देखते तब तक वेट करते हैं, ये खाते हैं हम लोग, सही है ना।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। गाइस ये मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनका नाम है खालिद हुसैन जुनेजो, सलाम तो करो। और ये भी मेरे मामू का बेटा है, इसका छोटा भाई। गाइस ये मेरा कज़न है, ये खाला का बेटा है, इसका नाम है इरफान। इरफान अपना तारीफ कराओ। ठीक है वो गाड़ी पहले जब मैं आया तो गाड़ी में जगह नहीं थी, पहले वाली में वो निकल गई। अब ये गाड़ी तैयार खड़ी है, ये हर 15 मिनट के बाद एक नई गाड़ी बनती है लड़काने के लिए, 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। फाइनली मैं लाड़काना पहुंच चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं दोस्त के पास। लेकिन कहते हैं ना कि लाड़काना आए और सांगी होटल की चाय नहीं पी तो क्या फ़ायदा। गाइस सीन ऐसा है कि चाय पीने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि ट्रेन निकलने वाली है, अभी भाग के पहुंचना पड़ेगा वहां पे। ये पूरी बुकिंग मैंने बुक कराई है, एक ही लड़का बैठा है, सही है, मजे करो भाई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोडी स्टेशन पे और अभी निकल रहे हैं बाहर। खरीदारी है मूड का ना है वहां। ढाई बजे ट्रेन निकली थी लाड़काना से, 6:45 ट्रेन पहुंची यहां पे। हालांकि 2 घंटे में 1.5 घंटे में ट्रेन पहुंचनी चाहिए। क्या यार, इससे अच्छा था हम लोग किसी वैन में आ जाते तो जल्दी पहुंच जाते। अब देखो सूरज भी ढल गया, बिल्कुल अजानें भी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चला चला तो फैला दे निशानी मोकड़ी आया।